वेलकम टू स्टडी भारत। स्टडी भारत में आपका स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है गुजरात के चालुक्य या फिर सोलंकी वंश। सोलंकी वंश के जानकारी के लिए हम लोग देखें तो इनकी जानकारी का सबसे प्रथम और प्राचीन ग्रंथ है कुमारपाल चरित्र और वर्ण रत्नाकर। इन दो ग्रंथों में इनके 36 राजपूतों की श्रेणियों के बारे में चर्चा किया गया है। एक सूची दी गई है 36 राजपूतों की। इनकी उत्पत्ति के बारे में बात करें तो इनकी उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि ये अग्निकुल से उत्पन्न राजपूतों में से एक थे। अगर हम लोग देखें तो राजपूतों की जो उत्पत्ति का एक सिद्धांत है जिसमें कि उन्हें अग्निकुंड से उत्पन्न बताया गया है, ये उन्हीं की एक शाखा के रूप में बताए जाते हैं। जबकि वाडनगर का जो लेख है उसमें बताया गया है कि जब पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा भार बढ़ गया था तो पृथ्वी को उससे मुक्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने चुलुक चुलुक मतलब हाथ में लिया गया पानी या फिर कमंडल से सोलंकी वंश के आदि पुरुष की स्थापना की थी। आदि पुरुष को जन्म दिया था। उन्होंने गुजरात में 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 13वीं शताब्दी के प्रारंभ तक शासन किया और इनकी राजधानी थी, यानी कि गुजरात के जो चालुक्य थे उनकी राजधानी थी अनहिलवाड़। अनहिलवाड़ के जो चालुक्य थे उनका संबंध बादामी के, वेंगी के या पश्चिमी चालुक्यों, इन तीनों में से किसी के साथ भी नहीं देखा जा सकता है। सबसे पहले तो देखें कि उल्लेखनीय है कि दक्षिण के वंश का नाम चालुक्य था जबकि गुजरात के वंश को चालुक्य कहा गया है। इन दोनों में बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है। बादामी के जो चालुक्य थे जो दक्षिण में शासन कर रहे थे, बादामी के, पूर्वी के या पश्चिमी के, वो चालुक्य हुआ करते थे। लेकिन गुजरात के जो थे ये वंश जो सोलंकी वंश के भी नाम से जाना जाता है, इन्हें चालुक्य कहा गया है। और इस वंश के जो शासक थे वो जैन धर्म को संरक्षण दे रहे थे, जैन धर्म धर्मानुयायी थे। गुजरात के चालुक्य वंश का इतिहास हम मुख्य रूप से जैन लेखकों के ग्रंथों से ज्ञात करते हैं क्योंकि इस वंश ने जैन धर्म को प्रश्रय दिया था। तो जैन धर्म में जितने भी साहित्य की रचना हुई है उसमें इनका उल्लेख देखने को मिलता है। ये लेखक चालुक्य शासकों की राजसभा में निवास करते थे क्योंकि इन्हें राज्याश्रय मिला हुआ था। इन ग्रंथों में हेमचंद्र का द्रवश्रय काव्य, मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि, सोमेश्वर कृत कीर्ति कौमुदी, जयसिंह सूरी का कुमार भूपाल चरित आदि उल्लेखनीय माना जा सकता है। इनके अध्ययन से हम इस वंश के शासकों की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं। यानी कि इस तरह से देखा जाए तो ये जितने भी राजा थे, जितने भी विद्वान थे, वे सभी राज दरबार में रहते थे तो उनकी उस समय की राजनीतिक स्थिति से काफ़ी ज़्यादा रूबरू हुए होंगे। इनके अलावा जरूर ही चालुक्यों ने सांस्कृतिक क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा किया होगा जिससे कि उनके सांस्कृतिक उपलब्धियों का विवरण आसानी से इनके द्वारा मिल जाता है। भारतीय साहित्य के अतिरिक्त मुसलमान लेखकों ने अल गर्दीजी, इब्न उल अथर, हसन निजामी आदि के विवरणों से तुर्कों तथा चालुक्यों के संघर्ष का परिचय प्राप्त होता है। क्योंकि इस समय में देखा जाए चालुक्यों का जब शासन गुजरात में हुआ करता था तो उस समय महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी साथ साथ अपने उनका जो एक सेवक था कुतुबुद्दीन ऐबक, इन सबके आक्रमण का कार माना जाता है। और इन सभी लोगों के काल में क्या हुआ कि कुछ लेखकों बाहरी लेखकों का आगमन हुआ था भारत में, उसमें से इब्न उल अतहल, हसन निजामी ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते थे। चालुक्य लेखकों राजाओं का लेख जो भी मिलता है वो न्यूनाधिक रूप में उनके इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। यानी कि उन्होंने अपने बारे में बहुत ही कम साहित्यिक इतिहास लिखा है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण लेख कुमारपाल का वाडनगर प्रशस्ति 771 में जो लिखी गई थी, जिसकी की रचना श्रीपाल ने की थी, उससे हमें इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इन सब के अलावा तलवारा, उदयपुर, उदयपुर मतलब भिलसा, कादी आदि के लेखों से जयसिंह, कुमारपाल, भीम द्वितीय और चालुक्य राजाओं के उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। इन सभी साक्ष्यों के आधार पर चालुक्य इतिहास का वर्णन प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरात के चालुक्य या तो फिर सोलंकी वंश के कौन कौन से महत्वपूर्ण राजा थे, अब उनके बारे में देखते हैं।
अनहिलवाड़ के चालुक्यों का उदय पूर्व गुजरात के इतिहास सामान्यतः कन्नौज के गुर्जर से संबंधित है। प्रतिहार महेंद्रपाल का साम्राज्य गुजरात का विस्तृत साम्राज्य था, और उसके समय में क्या हुआ, महिपाल ने भी कम से कम 914 AD तक यहाँ पर अपना अधिकार बनाए रखा था। महिपाल की जो राष्ट्रकूट शासक थे इंद्र तृतीय, जिनका कि जो कि 915 से 17 तक की ईस्वी में इनसे कांटेक्ट हुआ था, के द्वारा पराजय के पश्चात प्रतिहारों की स्थिति निर्बल पड़ गई थी। प्रतिहारों की स्थिति इसलिए निर्बल पड़ गई थी क्योंकि त्रिपक्षीय संघर्ष जो चल रहा था, जिसमें कि राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने पार्ट किया था, और इधर प्रतिहारों ने भी उसमें अपनी शामिलता दिखाई थी। तो बार बार आक्रमण के बाद जो है ना, प्रतिहारों की स्थिति बहुत निर्बल हो गई, बहुत दयनीय हो गई। एक समय तो ऐसा आया था जब उन्हें कि छुपने मरुस्थल में छुपना पड़ा था। राष्ट्रकूटों के साथ अनवरत संघर्ष के परिणाम स्वरूप गुजरात क्षेत्र भारी अराजकता और अव्यवस्था का शिकार हो गया था। प्रतिहारों तथा राष्ट्रकूटों के पतन के उपरांत चालुक्यों को गुजरात में अपनी सत्ता स्थापित करने का सुअवसर प्राप्त हो गया। क्योंकि राष्ट्रकूट जो थे वो दक्षिण भारत के वंश थे, और प्रतिहार जो थे वो ऊपर के पूर्वी भारत के थे। तो बार बार दक्षिण से पूर्व में आकर युद्ध करना और फिर वापस अपने राज्य जाकर के फिर से अपनी शक्ति को बढ़ाने का जो ये निरंतर क्रम चलता रहा, इस निरंतरता के कारण, इस युद्ध की जो निरंतरता है उसके कारण राष्ट्रकूटों में थोड़ी सी शिथिलता आ गई। वो धीरे धीरे पतन की ओर जाने लगे। उनका जो सैन्य शक्ति में जो शक्तिशाली सुदृढ़ व्यवस्था था उसमें कमी आ गई। दूसरी तरफ क्या हुआ कि प्रतिहार, जिनके ऊपर के राष्ट्रकूट बार बार आक्रमण कर रहे थे और हमेशा जीतते भी थे, उसे क्या हुआ, प्रतिहारों की अंदरूनी शक्ति बहुत ज़्यादा कमजोर हो गई, और वो क्या हुए, फिर से उभर के सामने आने में बहुत ही असफल हो गए, वो वापस नहीं आ पाए। अगर इस सोलंकी वंश के बारे में बात करें तो इनका जो सर्वप्रथम राजा है उसे मूल राज प्रथम के नाम से जानते हैं, और इनकी शासनावधि है 941 से 995 ईस्वी तक की। उसने क्या किया, जो प्रतिहार और राष्ट्रकूट थे जो कि त्रिपक्षीय संघर्ष में बार बार एक दूसरे के सामने रहते थे, उन दोनों का पतन एक साथ होने लगा, और इसी राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाते हुए उन्होंने क्या किया कि 9वीं सदी के द्वितीयार्ध में सरस्वती नदी घाटी में अपने लिए एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। मतलब कि जब दो बड़ी बड़ी शक्तियां, भारत की दो बहुत ही महत्वपूर्ण बड़ी शक्तियां आपस में लड़ करके एक दूसरे को ही नुकसान पहुंचा रही थी और दोनों के दोनों ही कमजोर हो गई थी, तो उस समय क्या हुआ कि मूल राज ने एक स्वतंत्र राज्य कायम कर लिया। क्योंकि उन्हें तो पता था कि अब उनको सामना करने वाला कोई है नहीं, क्योंकि सभी लोग अपने अपने युद्धों में ही लीन हैं। गुजराती अनुश्रुतियों से पता चलता है कि मूल राज का पिता राजी कल्याण कटक का क्षत्रिय, राजी कल्याण कटक का क्षत्रिय राजकुमार था, और उसकी माँ जो थी वो गुजरात के चापोतकट वंश की कन्या थी। उसके पिता की उपाधि महाराजा धीराज की मिलती है, किंतु उसकी स्वतंत्र स्थिति में संदेह है। संभवतः वह प्रतिहारों का सामंत था। क्योंकि यहाँ पर अगर महाराजा धीराज को देखा जाए, महाराजा धीराज या इस तरह की जो भी उपाधियाँ कोई भी शासक ग्रहण करते हैं, तो वो माना जाता है कि उनका जो है शासन व्यवस्था स्वतंत्र अवस्था में रहता है। लेकिन कुछ अनुश्रुतियों अनुसार देखें तो उनमें ये कहा गया है कि ये प्रतिहारों के सामंत थे। इसे हम लोग इस संदर्भ में समझ सकते हैं कि हो सकता है कि वे प्रतिहारों के सामंत के रूप में रह रहे हों, लेकिन जब राष्ट्रकूट और प्रतिहार दोनों की शक्तियाँ कमजोर होने लगी एक दूसरे के साथ युद्ध करते हुए, तब उन्होंने मौका देख करके अपने आप को स्वतंत्र कर लिया होगा एक अलग क्षेत्र में। चूंकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मूल राज्य एक शक्तिशाली शासक था, क्योंकि उसने अपने साम्राज्य की स्वतंत्र नींव डाली थी, और गद्दी पर बैठने के बाद वह साम्राज्य के विस्तार में जुट गया था। कादी का लेख अगर देखें तो उसमें मालूम पड़ता है कि उसने सारस्वत मंडल को अपने बाहुबल से जीता था, मतलब कि अपने बलबूते पे जीता था। एक तरह से देख लिए तो अगर कोई सामंत है अपने राज्य की नींव डालता है और अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, तो इससे पता ये इस बात का घोतक है उसमें कितनी काबिलियत होगी। इसके अलावा कुमारपाल कालीन वाडनगर प्रशस्ति जो कि कुमारकाल के शासनकाल में लिखा गया था, उससे पता चलता है कि उसने चापोतकट राजकुमारों को बंदी बना लिया था।
अनुश्रुतियों के अनुसार मूल राज सारस्वत मंडल को ग्रहण करने मात्र से ही संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो विस्तारवादी नीति का सपोर्टर था, तो वो कभी भी अपने राज्य से संतुष्ट नहीं हो सकता था। इसलिए उसने क्या किया कि निरंतर प्रयास करते रहा अपने आसपास के राज्यों को जीतने का, और इसके लिए उसने क्या किया कि अपने राज्य के उत्तर, पश्चिम और दक्षिण दिशा में इसका विस्तार करना प्रारंभ किया। उसकी महत्वाकांक्षाओं ने उसे अपने पड़ोसियों के साथ प्रत्यक्ष संघर्ष में ला दिया। प्रत्यक्ष संघर्ष में आना वाजिब सी बात थी, क्योंकि उसे अपने साम्राज्य का विस्तार करना था और वो अपने पड़ोसियों के राज्य से गुजर के दूसरी जगह जाकर के अपने साम्राज्य का विस्तार तो कर नहीं सकता था। वो क्या करेगा, पहले अपने आसपास के राजाओं को जीतेगा, उसे अपने अधीन में लाएगा और उसके बाद वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ सकता था। तो इससे क्या हुआ कि उसका अपने पड़ोसियों के साथ निरंतर युद्ध होना शुरू हो गया। इनमें सर्वप्रथम नाम आता है शाकंभरी के सपादलच शासक विग्रहराज, विग्रहराज एवं लाट के शासक वरप का। वरप को तो कभी कभी तैलप का सेनापति भी कहा जाता है। कुछ जगहों पर देखने को मिलता है कि तैलप जो थे उनके जो सेनापति है उसे ही वरप का नाम से जाना गया है, जो कि पश्चिमी चालुक्य वंश का राजा था। तैलप, चूंकि सभी जानते हैं तैलप द्वितीय ने पश्चिमी चालुक्य वंश की नींव डाली थी। प्रबंध चिंतामणि में बताया गया है कि उसने वरप और विग्रहराज ने मिलकर मूल राज पर आक्रमण किया था, लेकिन मूल राज इनका सामना नहीं कर सका तथा उसने कंधा में शरण ली थी। यानी कि एक समय ऐसा भी आया था जबकि मूल राज को ही पीछे हटना पड़ा था युद्ध में, लेकिन बाद में क्या हुआ, मूल राज ने चहमान नरेश से संधि कर ली और वरप पर आक्रमण करने की योजना बना डाली। हेमचंद्र द्वारा द्वाश्रय महाकाव्य से पता चलता है कि मूल राज के जो बेटे थे उनका नाम था चामुंड राय। चामुंड राय ने सुभ्रावती नदी पार करके लाट में प्रवेश किया था, जहाँ की वारप को पराजित किया और साथ साथ उसे मार डाला था। यानी कि वारप का जो काल था वो मूल राज प्रथम के समय में ही खत्म हो गया था। अब त्रिलोचनपाल के सूरत दान पत्र में देखते हैं क्या मिलता है। त्रिलोचनपाल की जो सूरत का दान पत्र है उसमें यह कहा गया है कि वारप के जो पुत्र थे, वारप के जो बेटे थे उनका नाम था गोगीराज। गोगीराज ने अपने देश के शत्रुओं से अपने राज्य को मुक्त कराया था। इसका मतलब है कि अगर किसी ने उस पर कैप्चर कर लिया था तो वापस इन्होंने उसे भगा दिया था, मार भगाया था। यहाँ शत्रुओं से तात्पर्य मूल राज से है। सोमेश्वर कीर्ति कौमुदी से पता चलता है कि मूल राज ने स्वयं वरप की हत्या की थी। इस बात में संदेह देखा जाता है, क्योंकि एक एक जो लेख मिलता है उसमें तो ये कहा गया है कि मूल राज के द्वितीय चामुंड राय ने मारा था, वरप को पराजित करके मारा था, और दूसरी जगह कीर्ति कौमुदी से पता चलता है कि वरप की हत्या स्वयं मूल राज ने की थी। इसे इस संदर्भ में समझ सकते हैं कि हो सकता है कि मूल राज ने अपने बेटे चामुंड राय को भेजा हो और उसने पराजित करके वरप को मार भी डाला हो, लेकिन चूंकि उसमें मूल मूल राज ही प्रशासक हुआ करता था, वहाँ का राजा था, तो अभिलेखों में जो जिक्र किया गया है तो वो अपने शासक के संदर्भ में किया गया। इसके अलावा हेमचंद्र के द्वाश्रव काव्य में पता चलता है कि मूल राज ने सुराष्ट्र और कच्छ को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था, क्योंकि उसके आसपास के जितने भी एरिया थे उन सबको विस्तारवादी नीति के तहत जीता जा रहा था। और सुराष्ट्र का राजा ग्रह रिपु जाति का आभेर था तथा उसकी नियुक्ति स्वयं मूल राज के द्वारा ही की गई थी, लेकिन वह दुराचारी हो गया। उसने कच्छ के राजा लक्ष अथवा लाखा को भी अपनी ओर मिलाकर अपनी शक्ति को बढ़ा लिया। सुराष्ट्र का जो राजा था, राजा ग्रह रिपु, वो जाति का आभेर था। आभेर निम्न जाति के लोगों को कहा जाता है, और उसके बारे में कहा जाता है उसे जो राजा था, उसे जो शासक बनाया था वो मूल राज ने ही बनाया था, लेकिन बाद में जाकर के उसका नेचर थोड़ा बुरा हो गया, वो अच्छा शासक नहीं बन पाया, दुराचारी हो गया। तब मूल राज ने हार कर क्या किया, उसकी शक्ति को नष्ट कर दिया, उसे हरा दिया और फिर अपनी शक्ति को बढ़ाकर उसके राज्य को अपने में शामिल कर लिया, उसे दंडित करने के लिए ही। यानी कि जो सुराष्ट्र का जो राजा था ग्रह रिपु, उसको दंडित करने के लिए मूल राज ने क्या किया, उस पर आक्रमण करके उसे मार डाला। प्रबंध चिंतामणि से पता चलता है कि कक्ष के राजा लाखा ने 11 बार मूल राज को हराया,
लेकिन 12वीं बार मूलराज ने उसे मार डाला। इस विजय के फलस्वरूप चालुक्यों का सौराष्ट्र पर अधिकार हो गया था। चूंकि मूलराज के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है, लेकिन कुछ कुछ एक जगह पे है, उसमें से एक है प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि में तो यहाँ कहा यह तक कहा गया है कि राजा जो लाखा थे, लाखा ने 11 बार मूलराज को हराया था, लेकिन 12वीं बार में क्या हुआ था कि पारी पलट गई और मूलराज ने उसे मार डाला था। और फिर चालुक्यों का सौराष्ट्र पर भी अधिकार हो गया था। यहाँ स्थित सोमनाथ मंदिर उसके उनके राज्य का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बन गया। ये बाद में हुई थी ये घटना। मेरुतुंग के अनुसार मूलराज प्रत्येक सोमवार को वहाँ दर्शन के लिए नियमित जाया करता था, और बाद में मंडाली ये उसने सोमेश्वर का मंदिर बनाया था। मूलराज को कुछ अन्य क्षेत्रों में भी सफलता प्राप्त की थी, और राष्ट्रकूट नरेश धवल के बीजापुर लेख से पता चलता है कि मूलराज ने आपू पर्वत के परमार शासक धरणी वराह को पराजित किया था। धरणी वराह ने राष्ट्रकूट नरेश के दरबार में शरण ली थी। राष्ट्रकूट नरेश के दरबार में इसलिए शरण ली थी क्योंकि राष्ट्रकूट जो थे वो पर उनका जो है युद्ध चलता था पूर्वी राज्य के साथ, मतलब कि त्रिपक्षीय संघर्ष में। और चूंकि ये जो थे अभी सोलंकी वंश के जो राजा थे, मूल राज जो थे, वे भी त्रिपक्षीय वर्ग में जो भी शासक कार्य करे थे उसके अधीन सामंत हुआ करते थे। तो चूंकि ये दुश्मन हो गया, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसलिए इंधारी वराह ने राष्ट्रकूटों के राज्य में जाकर के शरण ली थी। लेकिन परमार वंशी मुज तथा चौहान शासक विग्रहराज द्वितीय के हाथों उसे पराजय उठानी पड़ी। संभवतः विग्रहराज के विरुद्ध युद्ध में वह मार डाला गया। इसके बाद आता है मूलराज प्रथम का बेटा चामुंड राय। चूंकि मूलराज प्रथम का जो बेटा था चामुंड राय, उसकी मृत्यु 995 ईस्वी में हुई थी। मूलराज की जो मृत्यु हुई थी 995 ईस्वी में हुई थी, और उसने क्या उसके बेटे चामुंड राय ने धारा के परमार शासक सिमुक राज के विरुद्ध सफलता प्राप्त की थी। यानी कि सिमुन राज जो थे उसका और चामुंड राज के बीच एक युद्ध हुआ था, जिसमें कि चामुंड राज की विजय हुई थी और वह लाट प्रदेश पर अधिकार कर लिया था उसने। यहाँ सिर्फ यही तक नहीं, उसने क्या किया थे, वारन के जो पुत्र थे गोगी राज ने पुनः वहाँ अपना अधिकार जमा लिया। कलचूरी नरेश कोकल द्वितीय ने उसे पराजित किया था। यानी कि अगर चामुंड राय के बारे में देखें तो इसने बहुत ज़्यादा उपलब्धि हासिल नहीं की। सबसे पहले तो वो लाट प्रदेश को पाने में सफल रहा, लेकिन बाद में क्या हुआ कि गोगी राज जो थे ना, उन्होंने अपना यहाँ पर फिर से उसे अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके अलावा कलचूरी के जो नरेश थे कोकल द्वितीय, उन्होंने भी चामुंड राय को पराजित किया था। अब है दुर्लभ राज। चामुंड राय के दो पुत्र थे, बल्लभ राज और दुर्लभ राज। तो सबसे पहले दुर्लभ राज राजा बना, नहीं पहले दुर्लभ राज पहले बल्लभ राज राजा बना। बल्लभ राज की मृत्यु अपने पिता के समय में ही हो गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ, चामुंड राय ने अपने दूसरे बेटे दुर्लभ राज को शासक बना दिया था। उसने क्या किया, लाट प्रदेश को फिर से हराया। इस समय लाट प्रदेश का शासक कीर्तिपाल था। दुर्लभ राज ने उसी को हराकर लाट का प्रदेश जीता। यानी कि उसके पिता ने जिस देश को जीता था, जो बाद में वापस दुश्मनों के हाथ में चला जाता है, बेटे दुर्लभ राज ने फिर से उसी देश को जीत लिया। और वाडनगर लेख और जयसिंह सूरी के ग्रंथ कुमारपाल भूपाचलित से इस विजय की सूचना मिलती है। मतलब कि इसकी जो पुष्टि होती है वो इन दोनों लेखों के जरिए हो जाती है। पहले तो वाडनगर का लेख और दूसरा है जयसिंह सूरी का ग्रंथ, जिसे कि कुमारपाल भूपाल चरित के नाम से जाना जाता है। अब आते भीमदेव प्रथम। भीमदेव प्रथम इस समय के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में गिने जाते हैं। ये भीमदेव प्रथम जो थे दुर्लभ राज का उत्तराधिकारी, उसका भतीजा भीमदेव प्रथम हुआ। वह इस वंश का सबसे प्रतापी और शक्तिशाली राजा माना जाता है। कहा जाता है कि इसी के समय कम से करीब करीब 1025 एडी में क्या हुआ, गुजरात पर महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था। उसने भीमदेव प्रथम ने क्या किया था कि अपने बहुत ही प्रबल शत्रु जो थे उसके परमार भोज और कलचूरी नरेश कर्ण,
भोज और कर्ण इन दोनों को ही हराया था। और ऐसा माना जाता है कि प्रारंभ में भोज ने भीम पर दबाव बढ़ाया और उसे कुछ सफलता भी मिली। क्योंकि भीम पे दबाव इसलिए बढ़ाया क्योंकि भीम के जो पूर्वज थे वो परमार वंश के सामंत हुआ करते थे। लेकिन इन सब के अलावा उदयपुर का अगर लेख देखे तो उदयपुर का जो लेख है उसमें यह बताया जाता है कि भोज ने भीम को पराजित किया था, परंतु शीघ्र ही अपनी स्थिति को मजबूत करने के बाद भीम ने परमार नरेश भोज के विरुद्ध कलचुरी नरेश कर्ण के साथ मिलकर एक संघ तैयार किया और इस संघ ने मालवा के ऊपर आक्रमण करके धारा नगर को लूट लिया। धारा नगर उस समय की बहुत ही महत्वपूर्ण नगरी के रूप में माना जाता है। कल्याणी के चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथम ने जो भोज पर आक्रमण करके उससे पराजित किया था, धारा को लूटा और भाप पर अधिकार भी कर लिया। इन सब की जानकारी के एक और भी ज्यादा महत्वपूर्ण स्रोत है, वो है बिल्हण का विवरण। बिल्हण ने अपने विवरण में बताया है कि भोज अपनी राजधानी छोड़कर के भाग गया था और इससे क्या हुआ था कि उसकी प्रतिष्ठा बहुत ही कम हो गई थी। इसी बीच परमार भोज की मृत्यु हो गई, जिससे कि भीम और कर्ण के आपसी संबंध बिगड़ गए, एक दूसरे के संबंध बिगड़ गए, राज्य के बंटवारे को लेकर के बिगड़ गए थे। क्योंकि सबसे पहली बात कि भीम प्रथम जो थे उनके समय काल में ही महमूद गजनवी का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था और इस आक्रमण में महमूद गजनवी ने क्या किया था, उसे सोमनाथ मंदिर को बहुत ही बुरी तरह से लूटा था, विनष्ट कर दिया था। और इसके जो मूर्तियां थी, जो भी मंदिर के अंदर से मूर्तियां निकली उसे अपने साथ लेकर के गजनी ले गया और वहां पर जो फ्लोर थे ना, जो ऊपर की तरफ जाते हैं सीढ़ियों के ऊपर, उन सारे देवी देवताओं की मूर्तियों को आरोपित कर दिया। क्योंकि जब भीम और कर्ण के आपस में संबंध बहुत ज्यादा बिगड़ गए थे, उनके बीच जो धन लूटा गया, धारा से जो धन लूटा गया था उसके बंटवारे को लेकर के उनके बीच कटुता पैदा हो गई थी, तो अंत में क्या किया, भीम ने कर्ण के विरुद्ध भी एक दूसरा संघ तैयार कर लिया और इसमें क्या किया, उन्होंने शामिल कर लिया परमार के जयसिंह द्वितीय को, जो भोज का उत्तराधिकारी था। उसने क्या किया कि भीम की सहायता कर दी। लेकिन यहाँ पर देखें तो जैन ग्रंथ में यह बताया गया है कि भीम ने कर्ण को भी पराजित कर दिया गया था, कर्ण को भी पराजित किया था। बताया गया है कि पहले तो चेती नरेश ने भीम से लड़ने के लिए भीलों तथा मलेच्छों की सेना तैयार की थी, लेकिन बाद में उसी शर्त पर संधि कर लेना श्रेयस्कर समझता समझा उसने भीम के वकील दामोदर को स्वर्ण मेरु सौंप दिया, जिसे वह मालवा से उठा करके लाया था। मालवा से प्राप्त जो स्वर्ण मेरु था उसे दामोदर को सौंप दिया गया था। हेमचंद्र हमें बताता है कि भीम ने सिंध के नरेश नरेश हम्मुक को पराजित कर उसे अपने अधीन कर लिया था। यानी कि हेमचंद्र की अगर बात करें तो उनके अनुसार भीम ने सिंध के राजा को भी पराजित किया था और सिंध के राजा का नाम था हम्मुक। हम्मुक चूंकि एक शक्तिशाली राजा था जिसने कई शत्रुओं को पराजित किया था, तो अगर ऐसा देखा जाए तो ये भीम की बहुत ही बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा सकता है। भीम ने क्या किया, सिंधु नदी के ऊपर पुल बनाया और फिर उसी पुल के जरिए राज्य में प्रवेश किया और उसे पराजित कर दिया, यानी कि हम्मुक को पराजित कर दिया। इसके अलावा भीम के बारे में एक और बात महत्वपूर्ण बात देखें तो भीम के जो सामंत थे बिमल शाह, उन्होंने क्या किया था कि दिलवारा का जो जैन मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। और दिलवारा का जो जैन मंदिर है वो माउंट आबू पर्वत पे स्थित है। पहले के समय की बात करें तो यह अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत हुआ करता था, माउंट आबू पर्वत। आबू पर्वत का जो क्षेत्रफल था मूल राज्य के समय चालुक्यों के नियंत्रण में था, लेकिन बाद में वहां का जो शासक था धनधुक ने भीम की सत्ता को चुनौती दी, मतलब कि अपने आप को स्वतंत्र करना चाहा। तो इसके बाद क्या हुआ, भीम ने वहां पर आक्रमण कर दिया और फिर से उस राजा को हटाकर, यानी कि धनधुक को हराकर अपनी राज्य व्यवस्था को वहां पे सुदृढ़ कर ली। भूम के पूर्वजों का नड्डुल ने चाहमान शासकों के साथ मधुर संबंध थे, किंतु महत्वाकांक्षी भीम ने उसे उलट दिया। भीम के जो पहले के शासक हुए थे उन्होंने चाहमान शासकों के साथ ना प्रेम पूर्वक संबंध स्थापित किया हुआ था, लेकिन भीम की जो महत्वाकांक्षी
महत्वाकांक्षा था, विस्तारवादी नीति थी, उसके तहत क्या हुआ कि चहमान शासकों के साथ जो संबंध थे वो बिगड़ गए। और भीम ने क्या किया कि इस राज्य पर बहुत सारे आक्रमण कर दिए, यानी कि चहमान शासकों के ऊपर बहुत सारे आक्रमण किए। लेकिन फिर भी भीम को बहुत ज़्यादा इसमें सफलता हासिल नहीं हुई, बल्कि उसे उसके खिलाफ ना हार ही का सामना करना पड़ा। सुंदा पहाड़ी लेख से पता चलता है कि नाडुल के राजाओं अहिल और उसके चाचा अनहिल ने भीम को पराजित किया था। यानी कि मिलाजुला करके देखे तो सभी लोगों की मिलीजुली जो सरकार थी उन सभी ने मिलकर के भीम को एक साथ पराजित किया था। और यह भी कहा गया है कि अनहिल का पुत्र, अनहिल का जो बेटा था जिसका कि नाम था बाला प्रसाद, उसने भीम को पराजित किया। और अनहिल के जो पुत्र बाला प्रसाद थे उन्होंने भीम को क्या किया, कारागार से कृष्णराज नामक शासक को मुक्त करने के लिए मजबूर किया। यह परमार का राजा था। इस प्रकार भीम नड्डुल के चहमानों को नतमस्तक करने में सफल नहीं हो पाया, यानी कि पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। इससे तो अच्छा था कि उसके पूर्वजों ने जो नीति अपनाई थी शांति की नीति, उसी को अपनाने से कम इस वंश की बेइज्जती तो नहीं होती। भीम के शासनकाल की सबसे प्रमुख घटना थी जिसका कि उल्लेख अनुश्रुति और लेखों में नहीं मिलता है, वह है महमूद गजनवी का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। क्योंकि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा ही नहीं बल्कि मूर्तियों को भी खंडित कर दिया, किंतु भीम ने बड़ी बुद्धिमानी के साथ उससे अपनी रक्षा की। इसके बारे में एक और बात सामने आती है। ऐसा कहा जाता है कि सोमनाथ का जो मंदिर है उसके अंदर जो शिवलिंग की प्रतिमा थी, कहा जाता है कि उसकी रक्षा वो खुद ही कर रहे थे। मतलब कि उस मंदिर पर देवताओं का आशीर्वाद था जिन्होंने कि शिवलिंग के बारे में बताऊं, वहाँ का जो शिवलिंग था उसकी खासियत क्या थी, वो जिस गर्भगृह के अंदर हुआ करता था वहाँ पर वो लटक रहा था, मतलब कि वो हवा में झूलता हुआ शिवलिंग था, जिसके कारण कि कहा जाता है कि देवताओं का विशेष कृपया थी उस मंदिर पे। और जब गजनवी उस पे आक्रमण करने आया तो वहाँ के ब्राह्मणों ने कहा कि अगर तुम इस मंदिर को ध्वस्त करने के लिए इसके अंदर पैर रखोगे तो क्या होगा कि तुम जल के भस्म हो जाओगे। कुछ समय के लिए तो गजनी ने इसको मान भी लिया था, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया कि मंदिर के पीछे जाकर के उसकी एक दीवार को गिरा दिया। साइंटिफिक तरीके से देखे तो जैसे ही वो एक दीवार गिरता है तो उसके अंदर का जो चुंबकीय वातावरण रहता है वो खत्म हो जाता है और वो शिवलिंग अपने आप नीचे गिर जाता है। तो इस तरह से देखे तो क्या होता है, वहाँ के जो ब्राह्मण्स थे उनका भी शायद ये मिथक जो था वो टूट जाता है, और उन्हें भी पता चल जाता है कि आखिर वो क्या बात थी कि शिवलिंग हवा में तैर रहा था। बाद में इस मंदिर को बहुत बुरी तरीके से लूटा गया गजनवी के द्वारा और यहाँ पे अथाह धन संपदा मिली। कहा जाता है कि अकेले सोमनाथ मंदिर में ही उसने इतनी ज़्यादा स्वर्ण आभूषण और धन कमाए जिससे कि पूरा गजनी का राज्य ही सुखी संपन्न हो गया, और इन सभी को वो लेकर के अपने राज्य अपने देश वापस चला गया। सिर्फ धन संपदा लेकर के ही गजनवी अपने देश नहीं गया, बल्कि उसने क्या किया कि यहाँ की जो मूर्तियाँ थी मंदिर के अंदर की, जितने भी देवताओं की देवियों की मूर्तियाँ थी, उन सभी की मूर्तियों को तोड़ के अपने साथ ले गया, और इसी कारण उसे मूर्ति भंजक के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार अगर हम देखें तो महमूद गजनवी का जो सोमनाथ मंदिर का आक्रमण था वो काफी तरीके से सफल रहा। इस प्रकार भीम तो उस समय इस बात से संतुष्ट था कि उस मंदिर के ऊपर देवताओं का आशीर्वाद है, तो उस मंदिर को कोई भी किसी भी तरह की क्षति नहीं होगी, इसलिए उसने इसके विरुद्ध कोई भी प्लान किया ही नहीं था। इसके विरुद्ध युद्ध करना जरूरी ही नहीं समझा था, बल्कि इस युद्ध के समय तो वो अपने राज्य में मौजूद भी नहीं था। उसने क्या किया, फिर भी इन सभी को अगर बाद में देखे तो इस समय में भीम को एक महान राजा के रूप में देखा जा सकता है। उसने इसके बाद में क्या किया था, पत्तन में उसने भीमेश्वर और भट्टारिका के मंदिरों का भी निर्माण करवाया। उसके सामंत विमल ने जो कि आबोल पर्वत पर दिलवारा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था, वो वास्तु और स्थापत्य की कला की दृष्टि से बहुत ही उत्कृष्ट माना जाता है।
अगर भीम की एक और उपलब्धि के बारे में बात करें तो उन्होंने एक और काम किया था। सोमेश्वर मंदिर जब ध्वस्त हो गया तो उसको इसने पुनर्निर्माण करवाया था, क्योंकि पहले का जो सोमेश्वर मंदिर बना हुआ था वो ईंट और लकड़ी से बना हुआ था, लेकिन बाद में भीम प्रथम ने क्या करवाया कि उसका निर्माण पत्थरों से करवा दिया। अब कर्ण, भीम प्रथम जो थे उनके पुत्र, उनके बेटे कर्ण, उनके बाद कर्ण का शासन काल आता है। क्योंकि कर्ण अपने पिता की तरह बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी भी नहीं था और बहुत ज्यादा बलशाली भी नहीं था, वह एक निर्बल शासक के रूप में जाना जाता है। फिर भी उसने के बारे में कहा जाता है कि उसने मालवा के परमारों को पराजित किया था। नौडोली के चौहानों को भी उसने अपने राज उसके राज्य पर आक्रमण कर उसकी सत्ता को थोड़ी समय के लिए ही हटा दिया था। प्रबंध चिंतामणि में बताया गया है कि कर्ण ने आशापल्ली से भिल्ल राजा आशा के विरुद्ध भी सफलता प्राप्त की थी। कुमारपाल के चित्तौड़गढ़ लेख में अगर देखें तो उसमें बताया गया है कि कर्ण ने सूत को पहाड़ी दर्रे के पास मालवों को जीतने का श्रेय दिया है, किंतु इसकी पुष्टि अन्य स्रोतों से नहीं होती। मतलब कि इसकी जानकारी के बारे में अन्य कई और अभिलेखों में जिक्र नहीं किया गया है। विजयों की अपेक्षा कर्ण की रुचि निर्माण कार्यों में थी। कर्णावती नामक नगर बसाकर उसने वहां कर्णेश्वर का मंदिर बनाया था। यानी कि कर्ण के बारे में बात करें तो उसने एक नया नगर का निर्माण किया था और उसको नाम दिया था, अपने नाम के ऊपर ही नाम दिया था, कर्णावती नगर। उसमें कर्णेश्वर का भी मंदिर बनाया था। कर्ण सागर नामक झील का निर्माण करवाया और अनहिल वार में कर्ण मेरु नामक मंदिर के निर्माण का श्रेय भी कर्ण को ही दिया जाता है। यानी कि उसने अपने नाम से जुड़े हुए बहुत सारे काम किए, नए नए मंदिर बनवाए, नए नए नगर बसाए, झीलों का निर्माण करवाया और मंदिरों का तो काफ़ी ज़्यादा निर्माण करवाया था, क्योंकि उन्हें इसमें बहुत ज़्यादा रुचि थी, निर्माण कार्यों में बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे वो। इसके बाद आता है जयसिंह सिद्धराज। करने के बाद उसकी पत्नी मयन देवी से उत्पन्न पुत्र जयसिंह सिद्धराज चालुक्य वंश का एक प्रसिद्ध राजा बना। यानी कि इससे पता चलता है कि जब जयसिंह सिद्धराज राजा बना था, कर्ण की मृत्यु हो चुकी थी, बहुत ही अल्प समय के लिए आए थे कर्ण, उनकी मृत्यु हो चुकी थी, और ये उस समय हुआ था जब जयसिंह सिद्धराज बहुत ही छोटी अवस्था में थे। इसीलिए शासन व्यवस्था में उसने उनकी माता ने उन्हें अपना संरक्षण दिया था। राज्यारोहण के समय वह काफी कम उम्र के थे और इसकी मां ने उसके कुछ समय तक संरक्षिता के रूप में कार्य भी किया था। उनका एक प्रमुख कार्य था सोमनाथ के यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों के ऊपर से लगने वाले कर को समाप्त देना। इससे इनकी धार्मिक जो सहिष्णुता है उसकी जानकारी मिलती है। जय सिंह एक महान योद्धा, एक महान विजेता था जिसने कि सभी दिशाओं में विजय हासिल की थी, और उसकी प्रारंभिक सफलताओं में अगर देखें तो सौराष्ट्र के जो आभीर शासक थे उनको उनका पराजय करना शामिल किया जा सकता है। मेरुतंग के अनुसार बात करें तो आभीर शासक नवघर ने क्या किया था, गिरनार से आगे बढ़ते हुए चालुक्यों को 11 बार पराजित किया था, 11 बार हराया था, और वर्धमान और दूसरे नगरों को भी घेर लिया था। और जयसिंह ने किया था, जयसिंह ने 12वीं बार उसके स्वयं के विरुद्ध अभियान करते हुए उसे क्या किया, मार डाला था, तथा अपने उसके द्वारा जीते हुए जितने भी क्षेत्र थे सूराष्ट्र वगैरह उन सबको अपने अंदर शामिल कर लिया था। दोहर्द लेख में भी देखे तो इस युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें बताया गया है कि जय सिंह ने सूराष्ट्र के राजा को बंदी बना लिया था, क्योंकि जय सिंह का जो दूसरा अभियान था वो पश्चिम में मालवा के परमार राजाओं के विरुद्ध था। मेरुतुंग के विवरण से पता चलता है कि जब जय सिंह अपनी राजधानी छोड़कर सोमेश्वरम की यात्रा पर गया था, तभी परमार शासक यशोवर्मन ने उसके राज्य पर हमला कर दिया था और उसे रौंद डाला था। जयसिंह के जो मंत्री थे सांतु को उसे अपने अधीन कर उससे अपने पैर धुलवाए थे, क्योंकि ये सब उस समय हुआ था जबकि जयसिंह अपने राज्य में मौजूद नहीं था। लेकिन जब बाद में जयसिंह वापस लौटता है, उसे इस बारे में जानकारी मिलती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और उसने मालव राज से 12 वर्षों तक युद्ध करते रहा। अंत में उसने क्या किया कि परमार शासक यशोवर्मन को युद्ध में पराजित कर दिया और उसे बंदी बना लिया।
इस विजय से उसका परमार राज्य के बड़े भाग पर अधिकार हो गया। यशोवर्मन ने कुछ समय के लिए उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, कुछ समय के लिए अधीनता स्वीकार कर ली थी, यानी कि पता चलता है कि इससे बाद में यशोवर्मन ने अपनी स्थिति को मजबूत करके उसकी अधीनता से बाहर आ गए थे, उसके अधीनता को ठुकरा दिया था। दूसरी जगह कुमारपाल चरित्र, कुमारपाल चरित्र में जो भी बताया गया उसके अनुसार यह है कि जय सिंह ने धारा को ध्वस्त कर दिया था और नरवर्मन की भी हत्या कर दी थी। जय सिंह के अभिलेखों से भी इस बात का समर्थन होता है, यानी कि इस बात को पूरी तरह से प्रूफ किया जा सकता है कि जय सिंह ने धारा को ध्वस्त करके नरवर्मन की हत्या कर दी थी। कुमारपाल के वाटनगर प्रशस्ति के अनुसार जय सिंह ने मालवा के अभिमानी राजा को भी बंदी बना लिया था। चूंकि यशोवर्मन एवं नरवर्मन दोनों ही जय सिंह के समकालीन थे, अतः दोनों के पराजय की बात सही प्रतीत होती है। संभव है कि दीर्घकालीन संघर्ष में दोनों की हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा उज्जैन लेख की बात करें तो उसमें बताया गया है कि जय सिंह ने अपनी ओर से महादेव नामक एक ब्राह्मण को मालवा का शासक बनाया था। अब अवंतीनाथ का विरुद्ध नियमित रूप से जय सिंह द्वारा धारण किए जाने लगा। मालवा और दक्षिणी राजपूताना के परमार क्षेत्रों के चालुक्य राज्य सम्मिलित हो जाने के फलस्वरूप क्या हुआ कि जय सिंह का चंदेल, कलचूरी, गहरवाल, चहमान, ये सा इन सारे राज्यों के जो शासक थे उनके साथ संघर्ष शुरू हो गया। कुमारपाल चरित्र में बताया जाता है कि जय सिंह ने महोबा के राजा मदन वर्मा को भी पराजित कर दिया था। कीर्ति कौमुदी के अनुसार अगर ध्यान दें तो उसने धारा से कालंजर वह धारा से कालंजर गया था, और दूसरी ओर चंदेल लेखों से भी पता चलता है कि मदन वर्मा ने ही जय सिंह को हराया था। ऐसा लगता है कि चंदेलों के साथ संघर्ष में जय सिंह को कोई खास लाभ नहीं हुआ। इससे यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि चंदेल अपने आप में एक शक्तिशाली राजा थे जिन्हें कि हराना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। जय सिंह ने अपने समकालीन शासक शाकंभरी चौहान शासक अर्नो राज्य को पहले तो युद्ध में पराजित किया और बाद में क्या किया कि उसके साथ अपनी बेटी का विवाह करके मित्रता स्थापित कर ली। जय सिंह ने सिंध पर भी विजय हासिल की थी और इसका विवरण दोहद लेख में मिलता है। दोहद लेख में बताया जाता है कि सिंध के जो राजा को पराजित कर दिया गया था और उत्तर के शासकों ने अपनी राजाज्ञा शेष के समान मस्तक पर धारण करने को विवश किया था। यह पराजित सिंध नरेश सुमरा जाति का कोई सरदार प्रतीत होता है। तलवार लेख में कहा गया है कि परमर्दी को भी उसने परमार्दी देव को भी पराजित किया था। हेमचंद्र राय के अनुसार यह राजा चंदेल वंशी परमार्दी ना होकर कल्याणी के चालुक्य नरेश विक्रमादित्य श्रेष्ठ था। इसका मतलब है कि इसके बारे में कुछ विद्वानों में आपसी मतभेद है, जहां एक तरफ उस परमार्दी कहा जाता है, वही दूसरी तरफ क्या कहा हेमचंद्र राय के अनुसार जो है ना इसे चालुक्य नरेश विक्रमादित्य षष्ठम कहा जाता है, क्योंकि विक्रमादित्य षष्ठम जो थे वो कल्याणी के चालुक्यों की एक शासक थे जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखते, वो काफी शक्तिशाली थे। उन्होंने भी अपने राज्य का विस्तार किया था और बहुत सारे युद्धों में विजय हासिल की थी, और उसके बाद उसने अपनी उपाधि ली थी परमार्दी देव की। हेमचंद्र जय सिंह की विजयों में बरबरक नामक राजा के पराजय का उल्लेख मिलता है। बरबरक जो राजा थे उसके बारे में कहा जाता है कि वो जो है ना एक राक्षस थे जो कि सिद्धपुर तीर्थ में ब्राह्मण साधुओं को तंग किया करता था, उन्हें परेशान किया करता था। जय सिंह ने क्या किया कि अपनी सेना के साथ उस पर आक्रमण कर दिया और फिर उसे पराजित करके बंदी बना लिया। लेकिन उसकी जो पत्नी थी पिंगलिका के इस आश्वासन पर उसे मुक्त कर दिया गया कि वह आगे से ब्राह्मणों को परेशान नहीं किया करेगा। तो इस पे क्या क्या जय सिंह ने मुक्त कर दिया था। इसके बाद बरबरक जय सिंह का विश्वास पात्र सेवक बन गया, यानी कि जय सिंह की जो अधीनता थी बरबरक ने स्वीकार कर ली और उसकी सेवा में चला गया। इस प्रकार जय सिंह सिद्धराज अपने समय का एक महान विजेता साम्राज्य निर्माता था जिसने कि चालुक्य साम्राज्य को उत्कर्ष की चोटी पर पहुंचाया। शांति के कार्यों को भी उसने गहरी दिलचस्पी ली। वह विद्या और कला का उदार संरक्षक माना जाता है, क्योंकि उसका वो हर तरह से विजेता था। उसके समय की बात करें तो उसने सिर्फ साम्राज्य का ही विस्तार नहीं किया बल्कि अपने समय में बहुत सारी
शांतिकारियों में भी बहुत ज्यादा योगदान दिया। अपने राज्य में कैसे शांति कायम हो उसके लिए उसने हर संभव प्रयास किया था। उसने क्या किया था, जैन विद्वान जो कि हेमचंद्र थे और अन्य जैन भिक्षुओं को सम्मानित किया था। विभिन्न संप्रदायों के साथ वह धार्मिक चर्चाएं किया करता था। ज्योतिष, न्याय, पुराण आदि के अध्ययन के लिए उसने विद्यालय स्थापित करवाए थे और इस कारण उसे महानिर्माता भी कहा जाता है। शुद्ध सिद्धपुर में रुद्र महाकाल मंदिर, सिद्धपुर का रुद्र महाकाल मंदिर तथा पाटन में सहस्त्रलिंग नामक कृत्रिम झील का उसने प्रमुख निर्माण करवाया था, प्रमुख रूप से इसका निर्माण करवाया था। द्वयाश्रय महाकाव्य के अनुसार कहा गया है कि सहस्त्रलिंग के किनारे चंडिका देव ने 108 मंदिरों का निर्माण करवाया था। चूंकि 108 मंदिर बहुत ही अतिशयोक्ति प्रतीत होती है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा मात्रा में मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। इसने जयसिंह का शैवभक्त होना भी प्रमाणित होता है, क्योंकि एक जगह देखे तो इसी जयसिंह और इस वंश के अन्य राजाओं को जैन धर्म से जुड़ाव रखने का प्रमाण मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो मंदिरों का निर्माण हो रहा है इतनी बड़ी संख्या में, उसे क्या कहा जाता है कि जयसिंह जो था उसके शिव धर्म में बहुत ज्यादा लगाव हो गया था, बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गया था। उसने आबू पर्वत पर एक मंडप भी बनवाया था और उसमें क्या था कि अपने पूर्वजों की 7 गजारोही मूर्तियां स्थापित करवाई थी। ये सबसे बड़ी बात है, अपने पूर्वजों की 7 गजारोही मूर्तियों का निर्माण करवा देना। स्वयं धर्मनिष्ठ, स्वयं शैव होते हुए भी उसने जैन मतानुयायियों के प्रति उदारता का प्रदर्शन किया। अब आते हैं कुमारपाल। क्योंकि अगर इनकी बात करें जयसिंह सिद्धराज की, तो जयसिंह सिद्धराज के जो एक विद्वान थे वो हेमचंद्र थे, वो जैन विद्वान थे। उन्होंने ही जैन धर्म के बारे में जयसिंह को बताया, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जयसिंह ने अपने पूर्वजों का अनुसरण नहीं करते हुए शैव मतुयायी हो गए। क्योंकि पहले के जो राजा थे उनसे पहले तो जो थे भी थे वे जैन धर्म को मानने वाले थे। अब इनके बाद आते हैं कुमारपाल। जयसिंह का चूंकि अपना कोई भी बेटा नहीं था, अपना कोई पुत्र नहीं था, तो उसकी उसकी जब मृत्यु हुई तो उसके बाद कुमारपाल राजा बना। कुमारपाल के बारे में कहा जाता है कि कुमारपाल बहुत ही काबिल राजा था, लेकिन वो एक गणिका का पुत्र था। गणिका भीमराज प्रथम के समय में, भीमराज प्रथम का एक बेटा था और उसका प्रपौत्र हुआ था कुमारपाल। भीमराज प्रथम का जो बेटा था वो एक गणिका का बेटा हुआ था और उसका जो प्रपौत्र हुआ था, मतलब कि उसका पोता, वो कुमारपाल के रूप में सामने आया। कुमारपाल चूंकि बहुत ही काबिल व्यक्ति था, तो लेकिन फिर भी उसे अपने शासन को पाने के लिए बहुत ज्यादा कष्ट झेलना पड़ा, बहुत सारे संघर्ष करने पड़े। इसमें बताया गया है कि गणिका का पुत्र था, इसलिए उसे निम्न कुल या हीन जाति से उत्पत्ति का माना जाता है। इसी कारण जयसिंह उससे घृणा करता था, यानी कि जयसिंह उसे बिल्कुल भी लगाता नहीं था। किंतु जैन आचार्यों और मंत्री उदयन एवं सेनापति कनहर देव की सहायता से उसने क्या किया, राजगद्दी प्राप्त कर ली थी। बाद में कनहर देव जो कि उसका बहनोई भी था, उसके व्यवहार से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका, कुछ संसकित हो चुका, और फिर क्या हुआ, कुमारपाल ने उसे अंधा और अपंग बनवाकर उसे उसके घर भेज दिया। क्योंकि उसका जो बहनोई था, कुछ समय के बाद कुमारपाल के विरुद्ध ही कुछ कुछ संधियां करने लगा था उसके अगेंस्ट जाकर। तो इसका जब कुमारपाल को पता चला तो उसने क्या किया कि अपनी ही बहनोई को अपंग और अंधा करवाकर उसे उसके घर भेज दिया। लेकिन उसका जो मंत्री था उदयादित्य, उसका विश्वास पात्र बना रहा और उसे फिर क्या किया, मुख्यमंत्री बना दिया गया। क्योंकि कुमारपाल भी एक बहुत ही महान विजेता और कुशल योद्धा के रूप में जाना जाता है। राज्यारोहण के बाद अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उसने अपना सैनिक अभियान शुरू कर दिया था और उसकी विजयों का अत्यंत विस्तृत जानकारी हमें मिलती है जयचंद्र सूरी की कुमारपाल चरित्र में। कुमारपाल चरित्र कुमारपाल के शासनकाल में लिखा गया था और उसे लिखने वाले थे जयचंद्र सूरी। उसका पहला जो संघर्ष था वो चहमान शासक अर्णो राज्य के साथ हुआ था। कुमारपाल का
पहला दुश्मन जो था, बाहर का पहला दुश्मन वो था चहमान शासक अर्णोराज। अर्णोराज अकेला ही उसके साथ युद्ध नहीं कर रहा था, बल्कि उसकी सहायता कर रहे थे बाहर उदयन का पुत्र, जयसिंह का दत्तक पुत्र, बहुत सारे, इसके अलावा और भी बहुत सारे राजा थे। उसने क्या किया, जयसिंह के कुछ अधिकारियों को भी अपनी ओर मिला लिया था। तो इससे क्या हुआ, दोनों कुमारपाल के विरुद्ध अभियान करते हुए गुजरात की सीमा तक बढ़ गए थे। लेकिन कुमारपाल ने क्या किया था, अपनी प्रतिभा के बल पे बाहर को बंदी बना लिया, और इसकी जानकारी हमें मिलती है जैन स्रोतों से। जैन स्रोतों में कहा गया है कि अर्णोराज्य के साथ जो उसका संघर्ष था वो काफी लंबी अवधि तक चला था, और इसमें अंतोगत्वा कुमारपाल ने अर्णोराज को परास्त कर दिया था, यानी कि अर्णोराज को पराजय का सामना करना पड़ा था। और लास्टली क्या हुआ कि अर्णोराज ने पराजय के बाद अपनी जो बेटी थी, उनका नाम था जलहणा देवी, के साथ कुमारपाल का विवाह करके मैत्री संबंध स्थापित कर लिया। चूंकि कुमारपाल ने आबू तथा अपनी ओर से सामंत शासक नियुक्त किए। चित्तौड़गढ़ में सज्जन नामक उसका सामंत था। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, अर्णोराज के जो उत्तराधिकारी थे उनका नाम था विग्रहराज चतुर्थ, के साथ भी उसका संघर्ष अवश्यंभावी हो गया। विग्रहराज ने क्या किया कि चालुक्यों को अपने क्षेत्रों से हटाने के लिए अभियान छेड़ दिया। उसने चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण कर दिया और कुमारपाल के द्वारा जो सामंत नियुक्त किया गया था, उसका नाम था सज्जन, उसे मार दिया। चालुक्यों द्वारा पूर्व में जीते गए अपने कुछ अन्य प्रदेशों पर भी अधिकार कर लिया, यानी कि वैवाहिक संबंध होने के बाद भी विग्रह राज्य ने क्या किया कि चालुक्यों के विरुद्ध अपनी जो युद्ध नीति है उसे जारी ही रखा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं लाया। चहमान लेखों से यह दावा किया जाता है कि विग्रह राज ने कुमारपाल को पराजित कर दिया था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों के बीच एक प्रकार की संधि हो गई थी। तत्पश्चात कुमारपाल ने उत्तर की ओर ध्यान नहीं दिया। दोनों के बीच एक संधि होने के एक और कारण यह हो सकता है, एक अन्य कारण यह हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीबी रिश्तेदार बन चुके थे। तो यह ऐसा माना जा सकता है कि दोनों के बीच संधि हो गई और बाद में उत्तर की ओर कुमारपाल ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। क्योंकि जैन ग्रंथ हमें बताते हैं कि कुमारपाल ने मालवा के शासक बल्लाल के ऊपर भी आक्रमण करके उसे हराया था, और कोंकण के शिलाहार वंशी शासक को युद्ध में जीत लिया था। इस बल्लाल की पहचान निश्चित नहीं है, क्योंकि अगर प्रमाण लेखों में उसका नाम नहीं मिलता है तो इसकी बहुत ज़्यादा प्रामाणिकता प्राप्त नहीं होती है। संभवतः वो कोई स्थानीय शासक होगा, छोटी मोटी बहुत सारे शासक हुआ करते थे जिन्हों जो कि उसमें छोटे छोटे राज्यों पर अधिकार था। जैसे कि इस शासक के बारे में कहें तो कहा जा सकता है कि इनका अधिकार मालवा के ऊपर था। कुमारपाल के विरुद्ध कोई भी युद्ध में उसने चाहवान शासक अर्णोराज का साथ नहीं दिया था। इसके अलावा शिलाहार वंश का जो पराजित राजा था उनका नाम था मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन का युद्ध हुआ था कुमारपाल के साथ, और इसमें मल्लिकार्जुन की पराजय हुई थी। इसके अलावा कुमारपाल चरित्र से पता चलता है कि आबू क्षेत्र के जो चंद्रावती में परमार वंश की कोई शाखा शासन करती थी, और यहाँ का शासक का नाम था विक्रम सिंह। विक्रम सिंह ने क्या किया, बाद में जाकर कुमारपाल के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। कुमारपाल ने वहां आक्रमण कर उसे बंदी बना लिया और उसे और अपनी ओर से उसके भांजे यशु धवल को राजा बना दिया। अब यशु धवल वहां का राजा बन गया, तो कुमारपाल के शासन की बात करें तो यशु धवल को एक सामंत के रूप में ही देखा जाएगा। क्योंकि कुमारपाल को सुराष्ट्र में भी एक अभियान करना पड़ा था, जहाँ के राजा का नाम था सुंबर। मेरुतुंग के विवरण को देखें तो उसके अनुसार बताया जाता है कि कुमारपाल के जो प्रधानमंत्री उदयन थे, उदयन को घायल करके पराजित कर दिया गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि कुमारपाल को जब इस बात का पता चलता है तो उसने अपने नड्डल के चहमान सामंत अल्हादान की सहायता से मेरुतुंग अल्हान की सहायता से बाद में दूसरे शासक को पराजित कर दिया था। संबर के पुत्र को सुराष्ट्र का राजा बनाया, जिसने चालुक्यों की अधीनता स्वीकार कर ली थी।
इस प्रकार अगर कुल रूप से देखें तो कुमारपाल को एक बहुत ही महत्वपूर्ण, शक्तिशाली, प्रभावशाली राजा बताया जा सकता है। उसने क्या किया था, जयसिंह की जो से जो जो उसे अपने पिता से जो अभी उसने अपने पूर्वजों से साम्राज्य मिला था उसको अक्षुण्ण रखा है, अक्षुण्ण बनाए रखने में कामयाबी हासिल की और अपने जीवन काल में कभी भी इसमें कोई कमी नहीं आने दी, बल्कि इसके बढ़ाया ही था। अपने समय की प्रमुख शक्तियों को पराजित करके चोलों की साम्राज्य की प्रतिष्ठा को कुमारपाल ने भली भांति बढ़ाया था। उसने क्या किया था कि भारत के जो धार्मिक इतिहास में उसका शासन काल अत्यंत रुचिकर माना जा सकता है। अगर जैन अनुश्रुतियों की बात करें तो एक शर्त में उसने अपना मत अनुयायी घोषित करती है। बताया गया है कि हेमचंद्र के प्रभाव से उसने जैन धर्म ग्रहण कर लिया था, क्योंकि हेमचंद्र वही है जो कि जयसिंह के राज दरबार में हुआ करते थे। जयसिंह कृत कुमारपाल चरित से सूचना मिलती है कि उसने अभक्ष नियम स्वीकार किए थे, अपना मन जैन धर्म में लगा दिया था और जैन धर्म में अपने मन की स्थापना कर ली थी। इसके बारे में अगर देखें तो वो अपने जैन धर्म से इतना ज्यादा प्रभावित हो गया था कि उसने तीन चीजों को पूरी तरह से बंद करवा दिया था, जैसे कि शिकार करना, शिकार करने के अलावा शांति स्थापना करना। इस एक और उसने काम किया किया था कि शिकारी उस समय में जो राजकीय शिकारी होते थे उसको उन्होंने क्या किया कि वो शिकार ना करे, पशुओं की हत्या ना करे, उसके लिए उन्होंने 3 साल का जो वेतन होता है वो सीधे सीधे दे दिया था सारे लोगों को और बोला था कि इससे वे कोई अन्य जो व्यापार होते हैं उसे शुरुआत कर दे, उसकी शुरुआत कर दे, किंतु जीव हत्या ना करें। इसके बाद क्या हुआ कि उसने मांस मंदिरा का भी प्रत्याग कर दिया और अपने राज्य में इसे मना भी कर दिया। अपने राज्य में पशुओं की हत्या पर रोक लगा दी। राज्य में अहिंसा का पूरे जोर शोर से प्रसार किया। इसके लिए राजाज्ञा प्रसारित की गई। बताया जाता है कि इसका जो क्रियान्वयन था वो इतनी कड़ाई के साथ किया गया था कि संवाद लक्ष्य के एक व्यापारी को जुआ जुआ मारने के अपराध में एक चोर की भांति गिरफ्तार कर लिया था, यद्यपि वह उसके शरीर का खून चूस रहा था। काल्पनिक बातें हो सकती हैं। उसे अपनी समस्त संपत्ति जुआ विहार यानी कि युका विहार की स्थापना के लिए त्यागने पर मजबूर किया गया था। नवरात्रि पर बकरी की बलि निषिद्ध कर दी गई तथा पशु हिंसा को रोकने के लिए उसने अपने मंत्रियों को काशी भी भेज दिया। काशी जहाँ की बहुत बड़े मात्रा में बहुत बड़े स्तर पर बलि दिया जाता है। वह स्वयं जैन तीर्थंकरों में गया और चैत्य एवं मंदिरों का निर्माण करवाया। जैन धर्म के ही प्रभाव में उसने निःसंतान मरने वालों की संपत्ति का राज्य द्वारा अधिग्रहण कर लेने का अधिकार समाप्त कर दिया। यानी कि पहले क्या होता था कि जिस दंपति का पुत्र नहीं होता था तो उस दंपति के मरने के उपरांत तो उसकी संपत्ति पर राज्य का अधिकार हो जाता था, लेकिन उसने ये जो राज्य का नियम था इसे समाप्त कर दिया। सम्राट प्रतिदिन जैन मंत्रों का जाप किया करता था और पूर्णतया जैन धर्म के प्रभाव में आ गया था। लेकिन इस बात के भी प्रमाण मिले हैं कि शैव धर्म में भी कुमारपाल की आस्था अडिग रही थी, क्योंकि उसने सोमनाथ मंदिर में जाकर भगवान शिव की उपासना की थी और उसने कुछ शैव मंदिरों का भी निर्माण करवाया था। उसके सभी लेखों में शिव की स्तुति भी देखने को मिलती है। अभी तक कोई ऐसा लेख भी जानकारी में नहीं आया है जिसमें कि यह बताया गया है कि उसने जैन धर्म की स्तुति की है। इससे पता चलता है कि इस मत में भी उसकी आस्था विद्यमान थी। यानी कि कुल मिलाकर के देखे तो कुमारपाल जैन धर्म और शैव धर्म दोनों में समान आस्था रखता था। हेमचंद्र राय का अनुमान है कि संभवतः कुमारपाल का जैन धर्म की ओर झुकाव भौतिक कारणों से रहा होगा। इसका उद्देश्य राज्य के समृद्ध एवं शक्तिशाली वणिक समुदाय का सहयोग प्राप्त करना हो सकता है जो कि मुख्यतः जैन थे। यानी कि जैन जैन जो थे उस समय के सामाजिक अवस्था को देखें तो उस समय वणिक समुदाय समुदाय जो था बहुत ही फला फूला और संपन्न रहा होगा, समृद्धशाली रहा होगा, जिसका कि सपोर्ट चाहिए होगा इनको और इसी धर्म इसी पूर्ति के लिए इसी मन की पूर्ति के लिए उन्होंने क्या किया कि जैन धर्म की ओर अपना थोड़ा सा झुकाव दे दिया।
अनवरत युद्धों के कारण राजकोष पर भारी दबाव पड़ा, जिसे पूरा करने के लिए जैन समुदाय, जो उस समय उद्योग वाणिज्य की रीढ़ थी, से आर्थिक सहायता लेना आवश्यक हो गया था। यानी कि अगर सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से देखें तो जैन धर्म की तरफ उनका झुकाव होना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया था, क्योंकि राज्य की जो आर्थिक अवस्था थी वो ठीक नहीं थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कुमारपाल राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक, इन तीनों चारों क्षेत्रों में बहुत ही सामंजस्य स्थापित करके चलने वाला राजा माना जा सकता है, जिन्होंने कि ऐसा रास्ता चुना जिससे कि राज्य को कोई क्षति ना हो बल्कि समृद्धि में और भी ज्यादा वृद्धि होती रहे। इसके बाद आते हैं अजयपाल, कुमारपाल के बाद आते हैं अजयपाल। कुमारपाल के बाद क्या होता है कि उनका भतीजा अजयपाल राजा बनता है। गुजराती अनुश्रुतियों और मुस्लिम स्रोतों से पता चलता है कि कुमारपाल की विष द्वारा हत्या कर दी गई थी, यानी कि कुमारपाल जो थे उन्हें जहर दे दिया गया था। शायद उनकी जो उपलब्धियां थी उससे रुष्ट होकर के उनके दुश्मनों द्वारा उन्हें विष दे दिया गया था। अजयपाल ने 1176 ईस्वी तक राज्य किया। उसके काल में शैव प्रतिक्रिया हुई। जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार माने तो उसने कंपदीर नामक ब्राह्मण, जो दुर्गा का भक्त था, को अपना ब्राह्मण नियुक्त किया, उस ब्राह्मण को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। और उसने क्या हुआ था, परम महेश्वर की उपाधि ली थी। मेरा उसकी हिंसक प्रवृत्ति का उल्लेख करते हुए लिखता है कि उसने अपने मंत्री कपरदिन और जैन आचार्य रामचंद्र की हत्या करा दी थी। इसके अतिरिक्त उसने साधुओं की भी हत्या कराई, जैन मंदिरों को ध्वस्त करवा दिया। सैनिक दृष्टि से उसकी मात्र यही उपलब्धि बताई गई है कि उसने सपाद लक्ष के चौहान शासक सोमेश्वर को पराजित किया, और शायद उसे किसी नौकर ने छुरा भोंकर उसकी हत्या कर दी गई थी। देखा जाए तो इस समय जो थे शासक अजयपाल, उनकी स्थिति काफी दयनीय मानी जा सकती है, शायद उनके बिहेवियर की वजह से। उन्होंने उस समय में धार्मिक क्षेत्र में बहुत ही गलत गलत काम किए। सबसे पहले तो क्या किया, हिंसक प्रवृत्ति अपनाई, जैनाचार्य और कपरदिन इन दोनों की हत्या करवा दी। कपरदिन जो कि ब्राह्मण धर्म से संबंध रखते थे, और जैनाचार्य जो कि रामचंद्र थे, उन दोनों की हत्या करवा दी। तो धार्मिक रूप से देखे तो इस समय में इनका जो अजयपाल थे, इनके इनकी मानसिक स्थिति थोड़ी सी चित्त विचित्र होगी, ठीक नहीं होगी। और बाद में क्या हुआ कि उससे छुटकारा पाने के लिए उसके किसी नौकर ने ही उसे चाकू भोंकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद आते हैं भीमदेव द्वितीय। भीमदेव द्वितीय बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण शासक के रूप में जाना जाता है। यह इस वंश का सबसे अंतिम शासक भी था। अजयपाल के बाद मूलराज द्वितीय राजा बने, जो उसका बेटा था। उसके शासन मात्र के 2-2.5 वर्ष का ही रहा। उसे किसी तुर्की आक्रांता ने पराजित किया। इसे मलेच्छ या हम्मीर कहा गया था। उसके बाद उसका छोटा भाई भीम द्वितीय राजा बना। यानी कि अजयपाल के 2 बेटे थे, मूलराज द्वितीय और भीमदेव द्वितीय। पहले तो चूंकि ज्येष्ठ पुत्र को ही राज सिंहासन दिया जाता था, तो मूलराज द्वितीय राजा बना। लेकिन इसके शासनकाल में क्या हुआ कि मलेच्छों का आक्रमण हो गया, हम्मीरों का आक्रमण हो गया, और उन्होंने क्या किया कि मूलराज की हत्या कर दी युद्ध के दौरान। तो सिंहासन खाली नहीं रह सकता था, तो उसके छोटे भाई भीमदेव द्वितीय ने शासन की सत्ता अपने हाथों में ली। आबू और नौगौर क्षेत्रों पर अधिकार के लिए उसने क्या किया कि चहमान शासक पृथ्वीराज से संघर्ष भी किया। इसके बाद दोनों में समझौता भी हो गया। करीब करीब 1178 ईस्वी की बात करें तो मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में तुर्कों ने उसके राज्य पर आक्रमण किया था। लेकिन क्या हुआ था, काशहत के मैदान में भीम ने उन्हें बुरी तरह पराजित कर दिया था। इस युद्ध में नड्डुल के चहमानों ने भीम का साथ दिया था। इसके बाद भी आक्रमण होते रहे, क्योंकि मोहम्मद गोरी अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली राजा था। वो बहुत ही जल्दी किसी चीज़ से हार नहीं मानता था, वो बार 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 कोशिश करने में ही यकीन रखता था। शायद इसी कारण तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध दोनों में उसे सफलता मिली। 1178 ईस्वी में
उसके राज्य पर मुसलमानों के आक्रमण हुए जिसका भीम ने सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया, और 1195 ईस्वी में उसने कुतुबुद्दीन को हराकर उसे अजमेर तक खरीद दिया। लेकिन दूसरे साल क्या हुआ, पहला साल तो कुतुबुद्दीन ऐबक हार मान के भाग गया, लेकिन दूसरा साल करीब करीब 97 ईस्वी में क्या हुआ कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने भीमदेव को पराजित कर दिया। उसके 50,000 सैनिक मार डाले गए और 20,000 सैनिकों को बंदी बना लिया गया। मुसलमानों ने क्या किया कि उसकी जो राजधानी थी अन्हिलवाड़, उसमें खूब उत्पात मचाया, खूब लूटा, खूब तरीके से बर्बाद किया और उस पर अधिकार भी कायम कर लिया। लेकिन मुसलमानों का अधिकार बहुत दिनों तक रह नहीं पाया था। करीब करीब 1201 ईस्वी में क्या हुआ कि भीमराज ने फिर से अपनी शक्तियों को इकट्ठा किया और फिर मुसलमानों के खिलाफ अपना विजय अभियान चालू किया। अब आबू पर्वत तथा दक्षिण राजपूताना में चालुक्यों का शासन स्थापित हो गया था, चूंकि भीम द्वितीय फिर से अपना शासन व्यवस्था कायम रखने में लग गया था, या और फिर लगभग 1 शताब्दी तक तुर्कों ने यहाँ पर आक्रमण करने का साहस नहीं किया। मुसलमानों से निपटने के बाद भीम ने क्या किया कि परमारों यादवों के साथ साथ आंतरिक विद्रोहों का भी सामना किया। यानी कि कुल मिलाकर के देखें तो भीम का जो जीवन है वो संघर्षों से भरा हुआ माना जाता है। इसके जो राज सिंहासन पे प्रतिस्थापित ही हुआ था, उस समय भी ये संघर्ष से भरी हुई स्थिति में ही राज सिंहासन पे बैठा था। परमार नरेश सुभट वर्मा ने अनहिलवार पे आक्रमण कर दिया था, लेकिन भीम के सामंत लवन प्रसाद ने क्या किया था, उसे पीछे धकेल दिया था, आक्रमण उसका सफल नहीं होने दिया था। जबकि दूसरी तरफ यादव जौतुकी ने भी दक्षिण गुजरात पे आक्रमण किया, और यहाँ पर क्या हुआ कि चालुक्यों ने क्या किया कि यादवों का सफल प्रतिरोध नहीं कर पाए, लेकिन लवन प्रसाद ने यादव नरेश सिंघन से संधि कर अपने राज्य को बचा लिया। इन इन सब के बावजूद क्या होता है कि भीम की जो आंतरिक स्थिति रहती है, निरंतर युद्ध में रहने के कारण निर्मल पड़ने लगती है, कमजोर होने लगता है, जिससे कि इसके अधीन के जो सामंत थे उन्हें स्वतंत्र होने का मौका मिल जाता है। और ज्ञात होता है कि 1023 ईस्वी के कुछ पहले ही जौत सिंह नामक उसके ही वंश के एक किसी संबंधी ने भीम को पदच्युत करके उसकी राजधानी पर कुछ समय के लिए अधिकार भी कायम कर लिया था। किंतु भीम के जो योग्य मंत्री थे जैसे कि लवन प्रसाद, वीर धवल, उन लोगों की सहायता से पुनः राजधानी पर अपना अधिकार पा लिया। इससे लवन प्रसाद की महत्वाकांक्षा बढ़ गई, क्योंकि वो काफी सारे युद्धों में जीत हासिल करने में शासक की मदद करता रहा था। तो इससे क्या हुआ कि लवन प्रसाद को अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो गया, और उसने क्या किया कि अपनी महत्वाकांक्षा को बढ़ाया, और जब देखा कि उसके शासक कमजोर पड़ रहे हैं तो उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। भीमदेव द्वितीय गुजरात के चालुक्य यानी कि सोलंकी राजपूतों का अंतिम शासक के रूप में जाने जाते हैं। इसके पश्चात क्या होता है कि उनके मंत्री लवन प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की। 1240 ईस्वी के लगभग में उसके उत्तराधिकारियों ने अनहिलवार पर अधिकार कर लिया, और बघेल वंश ने गुजरात में 13वीं शताब्दी के अंत तक शासन किया। इसके बाद गुजरात का स्वतंत्र हिंदू राज्य दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। चूंकि यहाँ तक के बारे में देखें तो भीमदेव जो कि जिनका कि शासन सत्ता के साथ ही संघर्ष शुरू होता है, धीरे धीरे करके क्या होता है जब उनकी अवस्था गिरने लगती है तो वो आंतरिक रूप से निर्बल होने लगते हैं, और उनकी निर्बलता का लाभ उठा करके उनके जो मंत्री रहते हैं उन्होंने क्या किया कि स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली, और करीब करीब 13वीं शताब्दी तक स्वतंत्र राज्य के रूप में इनके वंश ने शासन कायम किए रहा। इसके बाद इस जो ये जो क्षेत्र है पूरे के पूरे क्षेत्र का यानी कि गुजरात का जो क्षेत्र है वो दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है 13वीं शताब्दी के बाद। तो ये था हमारा आज का चालुक्य सोलंकी वंश। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।